आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिस्गाइज्ड राइटिंग और डिस्टॉर्टेड राइटिंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली अगर हम डिस्गाइज्ड राइटिंग की बात करें तो ऐसी राइटिंग जो कोई भी इंडिविजुअल अपनी ही राइटिंग में चेंज करने की कोशिश करता है, अपनी ही राइटिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और ये वो भी जो भी इंडिविजुअल करता है वो इंटेंशनली करता है, अपने किसी ना किसी मोटिव को पूरा करने के लिए करता है, तो ऐसी राइटिंग को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड राइटिंग, जहां पर आपको फ्लुएंसी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज यहाँ पर जो आपकी पेन स्टॉप होता है, जो ट्रिमर्स होते हैं और बाकी जो भी आपके करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं राइटिंग के, वो आपके इनएप्रोप्रिएट लोकेशंस पर आपको नजर आएंगे। दूसरी अगर हम बात करें डिस्टॉर्टेड राइटिंग की, तो वो जो राइटिंग होती है आपकी नॉर्मल राइटिंग के जैसे ही होती है, बस वो आपकी जो राइटिंग होती है वो किसी ना किसी आपके मेंटल कंडीशन या किसी और चीज की वजह से चेंज हो जाती है। उसमें बेसिकली कंप्लीटली चेंज नहीं होती है, थोड़ा बहुत सा मॉडिफिकेशन आ जाता है, और यहाँ पर जो आपका चेंजेस आते हैं आपकी राइटिंग में, ये आपका इंटेंशनली नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब आपके चेंजेस अनइंटेंशनल होते हैं वो आपके डिस्टॉर्टेड राइटिंग कहलाती है, और वो आपकी किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर या आपकी जो भी इंटरनल कंडीशन रहती है उसके बेस पर चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पर जो डिस्टॉर्टेड राइटिंग होती है, यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्लुएंसी भी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जो ट्रिमर्स और पेन स्टॉप और जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो आपको एप्रोप्रिएट लोकेशंस पर ही देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको डिस्गाइज्ड राइटिंग और डिस्टॉर्टेड राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट।